हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा वेलकम टू फूडीज कॉर्नर। आज मैं आपके लिए एक अलग टाइप की रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि त्योहारों का सीजन स्टार्ट हो चुका है और हम सबके बच्चे जो है मिठाई खाने के लिए हमें परेशान करने वाले हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं कुछ ऐसी ऐसी रेसिपी लेकर आई हूँ जिसमें मैं बच्चों को जो है हम मिठाई के साथ में कुछ न्यूट्रिशन और कुछ हेल्दी फूड देंगे, जिसे हम बनाएंगे एप्पल के साथ में। एप्पल और आलमंड्स के साथ हम एक बहुत ही अमेजिंग बर्फी बनाने वाले हैं। एप्पल की बर्फी बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, और इसमें मेहनत भी हमें बहुत कम करना पड़ेगा। तो चलो अभी से हम बनाना स्टार्ट करते हैं। और मैंने यहाँ पे 2 एप्पल लिए, उसे अच्छे से वॉश कर लिया है। 1 कप नारियल का चूरन लिया है। 1/2 कप यहाँ पे मैंने आलमंड्स को मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, और 1 कप सूख शक्कर लिया है। आलमंड्स को जो है मैंने बिना फ्राई किए ही बस ऐसे ग्राइंड कर लिया था। अब सबसे पहले हम अपने एप्पल को जो है छील लेंगे, उसके जो छिलके हैं वे, और उसके बाद इसके आगे और पीछे को कट कर लेंगे। उसके बाद हमें इसे बारीक वाली जो ग्रेट करने वाली आती है चिप, उससे ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, इसे आप घुमा घुमा कर ग्रेट करें ताकि इसके बीच का जो बीज वाला पार्ट है वो अलग से निकल जाए। ये देखिए, तो ऐसे मैंने दोनों एप्पल को इसे ग्रेट कर लिया है। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, हमें 10 से 12 मिनट ही लगेंगे। फिर अब यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून घी लिया है। घी को हमें थोड़ा सा मेल्ट होने देना है। घी जैसे मेल्ट होगा हम यहाँ पे अपने एप्पल को जो ग्रेट करके रखा है हमने वो डाल देंगे और इसे हल्का सा भून लेंगे। हम यहाँ पे ऐसा इसलिए करेंगे ताकि जो है एप्पल अच्छे से एकदम अच्छे से मैश हो जाए, और बर्फ़ी में जो है बच्चों को पता ही ना चले कि हमने इसे एप्पल की बर्फ़ी बनाया है। तो ये देखिए, इसे भूनने में 4 से 5 मिनट ही लगेंगे आपको, और इसमें हल्का सा एक खुशबू भी आने लगेगा जब ये थोड़ा सा मैश होने लगेगा। तो ये अच्छे से भून चुका है। तो यहाँ पे अब हम अपना 1 कप शुगर डाल देंगे। यहाँ पे मीठा आप कम और ज़्यादा अपने हिसाब से ले सकते हैं। अब क्या करेंगे, हमें शुगर को अच्छे से मिलने देंगे शक्कर को। ये देखिए, अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो इसे भी मेल्ट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 मिनट ही लगेंगे। और गैस का फ्लेम मैंने लो टू मीडियम रखा है। फिर यहाँ पे हम अपना बादाम वाला जो पाउडर बनाया था हमने 1/2 कप वो डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। इसमें जो हम बादाम और नारियल का जो चूरा डालने वाले हैं, 1 कप नारियल का चूरा, ये दोनों से बहुत ही ज़्यादा एकदम अमेजिंग टेस्ट आने वाला है। बच्चों को तो पसंद आ गई आएगा ही आएगा, बट बड़ों को भी बहुत पसंद आएगा, क्योंकि इसमें हमने बहुत से न्यूट्रिशन का यूज़ किया है। और 1 टीस्पून यहाँ पे हम इलायची पाउडर डाल देंगे, और मैंने कुछ 6 से 7 बादाम को बारीक काट के इस पर डाल दिया है। अब सबको हमें मिक्स कर लेना है, और इस गैस का फ्लेम लो ही है यहाँ पे, और इसे हमें बर्फ़ी के जमने वाले कंसिस्टेंसी तक के पकाना ही। और ये देखिए, ये एकदम ठीक हो चुका है, इसके मिक्सचर बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो गैस ऑफ़ कर देंगे। मैंने यहाँ पे एक ट्रे लिया है, उस पर घी से ग्रीस कर लिया है, और हमने जो मिक्सर तैयार किया है उसे हम इस पर डाल देंगे। डालने के बाद इसे हमें अच्छे से सेट कर लेना है। इस तरीके से हमें इसे एक किसी भी फ्लैट स्पून लेके आप इसे इस तरीके से फ्लैट कर ले। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए बादाम डाल देंगे। आप चाहे तो यहाँ पे पिस्ते का भी यूज़ कर सकते हैं। और बिल्कुल बस इसे अच्छे से प्रेस करें ताकि ये अच्छे से बादाम वगैरह इसमें सेट हो जाए, और इसे 10 मिनट ठंडा होने दें। फिर 10 मिनट ठंडा होने के बाद मैंने यहाँ पे इसे नाइफ़ के सहायते से ऐसे काट के रख लिया है ताकि हम इसे बाद में जब निकालें तो आसानी से निकल जाए। और उसके बाद मैंने इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज पे रख दिया था। फ्रिज में रखने से ये जो अच्छे से सेट हो जाएगा, और उसके बाद 2 घंटे के बाद इसे मैंने फ्रिज से निकाल लिया। ये देखिए, अच्छे से जम चुका है। तो अब इसे मैंने नाइफ़ के सहायते से हम निकाल लेंगे। लेकिन मैंने इसे फ्रिज से निकालने के बाद गैस पे थोड़ा सा गर्म किया था नीचे से, ताकि जो है ये निकालने में आसानी हो। ये देखिए, बिल्कुल हमारे एप्पल की बर्फ़ी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। देखने में ही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, उतने ज़्यादा डिलीशियस है, और ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है। और आपको मैंने एक चीज़ यहाँ बताना भूल गया था कि अगर आप यहाँ पे बादाम का पाउडर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप मूंगफली को जो है भून लें, उसका छिलका उतार के उसे मिक्सर ग्राइंडर में ग्राइंड करके आप उसका पाउडर बनाकर भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, हमारे एप्पल की बर्फ़ी रेडी हो चुकी है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू।